गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश. दिस इज लेक्चर नंबर 40 एंड टुडे इज जुलाई 12th 2021. ओके, आज हम करने जा रहे हैं प्ले विद वर्ड्स के एक्सरसाइज GHI पार्ट. सो गाइस, टर्न टू पेज नंबर 56 एंड फॉलो दिस वीडियो अटेंटिवली. ओके, आते हैं एक्सरसाइज जी पार्ट. A word is made by joining two words is called a compound word. Match the columns to make compound words. Underline the new words. Okay. कोई भी दो वर्ड्स को मिलाकर जब एक मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. जैसे कि आपको नीचे दिए गए दो कॉलम को मैच करके सही कंपाउंड वर्ड बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर वन, स्केयर प्लस क्रो इज इक्वल टू स्केयरक्रो. स्केयर और क्रो जो है दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सो उसे जोड़कर एक वर्ड बनते हैं स्केयरक्रो, जो कि एक कंपाउंड वर्ड है. ठीक है, सो इसी तरह से आपको मैच करने हैं. ओके, नंबर वन स्केयर, नंबर वन मैच करो डी स्केयरक्रो. नंबर टू, टू को मैच करो आप टू ए, यानी कि रोड साइड. ठीक है, रोड प्लस साइड इज इक्वल टू रोड साइड. नंबर थ्री, ब्रेक प्लस फास्ट इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट. नंबर थ्री को मैच करो एफ पार्ट से. नंबर फोर, सन प्लस शाइन इज इक्वल टू सनशाइन. फोर को मैच करो बी पार्ट. नंबर फाइव, डे प्लस लाइट इज इक्वल टू डे लाइट. नंबर फाइव को मैच करो सी पार्ट से. नंबर सिक्स, आफ्टर प्लस नून इज इक्वल टू आफ्टरनून. सिक्स को मैच करो ई पार्ट. ठीक है, ओके. इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज एच पार्ट. नाउ चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज जी टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. यू विल नॉट नीड ऑल द वर्ड्स. ओके, आपको एक्सरसाइज जी पार्ट में दिए गए सही कंपाउंड वर्ड्स को चूज करके नीचे ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं. ओके, नंबर वन, हैव यू सीन अ डैश इन अ फील्ड. पहले में आएंगे स्केयरक्रो. ठीक है, नंबर टू, व्हाट डिड यू ईट फॉर डैश टुडे. और यहाँ डैश में आएंगे ब्रेकफास्ट. आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. नंबर थ्री, Did you see the dog sitting by the dash? I think it was waiting to cross the road. So yahan par dash mein aayega road side. Number 4, It is such a lovely day. Let us go to the park and enjoy the warm dash. So yahan par aayega sunshine. Theek hai. Okay, iske baad aate hai, go to the next page, exercise I part. Spell it right. If we add unto just, we get the word unjust, which is opposite of just. Add in, im or un to make the opposites of these words. Okay. जैसे कि बुक में लिखे है, जब हम वर्ड un को एक वर्ड just में जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड unjust बनते हैं, जो कि वर्ड just के opposite यानी उल्टा है. ठीक है, विलोम शब्द है. ठीक है, सो वर्ड्स जैसे कि इन, आई एन, इन, आई एम, इम, यू एन, अन और इसके अलावा आई आर आर, डी आई एस, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा को हम एक मेन वर्ड के आगे लगाते हैं, ऐसे वर्ड को हम प्रीफिक्स कहते हैं. सो आपको प्रीफिक्स, प्री का मतलब है आगे और फिक्स का मतलब है लगाना या जोड़ना. ठीक है, सो आपको इन, इम और अन लगा के नीचे दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट्स बनाने हैं. ओके, नंबर वन है आई एम इन विजिबल, इनविजिबल. ठीक है, इनविजिबल का मतलब है, विजिबल का मतलब है दिखाई देना, जो देख सकते हो आप. इनविजिबल
नल का मतलब है जो आप देख नहीं सकते, ठीक है। नंबर टू, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब है पूरा, इनकम्प्लीट का मतलब है अधूरा। रैप, नंबर थ्री, रैप अनरैप, यहाँ पर अन लगते हैं। रैप का मतलब है लपेटना, अनरैप का मतलब है खोलना या उतारना। नंबर फोर, टाइडी, आपको लगाना है यहाँ पर अन, अनटाइडी। टाइडी का मतलब है साफ, अनटाइडी का मतलब है गंदा, ठीक है। नंबर फाइव, परफेक्ट, आपको लगाना है यहाँ पर इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है एकदम सही, जिसमें कोई कमी ना हो। इम्परफेक्ट का मतलब है जिसमें कुछ कमी हो। नंबर सिक्स, पॉसिबल इम्पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है मुमकिन, इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन। नंबर सेवन, ट्रू, यहाँ पर लगाना है आपको अन, अनट्रू। ट्रू का मतलब है सही, अनट्रू का मतलब है गलत, ठीक है। नंबर एट, एक्टिव, यहाँ पर आपको लगाना है इन एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, एनर्जेटिक, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब है निष्क्रिय, जो बिल्कुल लेजी हो। नंबर नाइन, मोबाइल, यहाँ पर लगाना है आपको इम, आई एम इम इमोबाइल। मोबाइल का मतलब है हिलने वाला, यानी मूविंग। इमोबाइल का मतलब है स्टेबल, मतलब जो हिलता नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। ओके, नो ग्रामर पार्ट के एडजेक्टिव्स के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये जो है एडजेक्टिव्स के बारे में हम सीधे ग्रामर बुक से ही पढ़ेंगे। सो हम सीधे करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जी पार्ट। टिक द करेक्ट एडजेक्टिव्स विद इन द ब्रैकेट्स, अंडरलाइन द नाउन दैट दे डिस्क्राइब। ओके, आपको नीचे सेंटेंस के बीच में दिए गए सही एडजेक्टिव ऑप्शन को टिक या सर्कल लगाने हैं, जो कि मैंने किया है, और जिस नाम के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर वन में आपको टिक लगाने हैं ब्राइट को, ठीक है, और अंडरलाइन करने हैं एमरल्ड, ब्राइट एमरल्ड, ठीक है। ब्राइट इज़ एडजेक्टिव और एमरल्ड इज़ अ नाउन, ठीक है। एमरल्ड के बारे में को डिस्क्राइब करता है वर्ड ब्राइट। उसी तरह से नंबर टू, आपको टिक लगाने हैं द वर्ड क्यूरियस, और आपको अंडरलाइन करने हैं पीपल, ठीक है, क्यूरियस पीपल। नंबर थ्री, आपको यहाँ पर टिक लगाने हैं वंडरफुल और पावरफुल, और आपको अंडरलाइन करने हैं वर्ड विजर्ड और स्पेल, वंडरफुल विजर्ड पावरफुल स्पेल, ठीक है। नंबर फोर, आपको टिक लगाना है वर्ड स्मॉल और अंडरलाइन करनी है वर्ड बर्ड। नंबर फाइव, आपको टिक लगाना है वर्ड फ्यूरिशियस और अंडरलाइन करनी है वर्ड टाइगर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। फॉर होमवर्क, आपको आज जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज जी एच और आई जे पार्ट, आप बुक में ही करना, ठीक है। सो टिल देन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।